92 ईयर्स की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कहने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की आज डेथ एनिवर्सरी है। चलिए आज कुछ उनके अनसुने किस्से आपको सुनाते हैं। क्या आपको पता है लता जी जितना मीठा गाती थी उतना ही तीखा खाना पसंद करती थी। फिर वो हरी मिर्च हो या लाल मिर्च, उन्हें बेहद पसंद थी। लता जी का पहले नाम हेमा हुआ करता था। 5 साल की उम्र से उन्होंने गाना सीखना शुरू किया और 9 साल की उम्र में पहला स्टेज परफॉर्मेंस दिया था। लता मंगेशकर ने सिर्फ 13 साल की उम्र में फिल्म पहली मंगला गौर से डेब्यू किया था और उनकी कमाई थी मात्र 25 रुपए। उन्होंने लगभग 30 भाषाओं में 50,000 से ज्यादा गाने गाए, लेकिन गजब की बात यह है कि उन्होंने खुद का गाना ना कभी पर्दे पर देखा ना ही सुना। बॉलीवुड फिल्म कंपोजर गुलाम हैदर ने लता जी को पहला ब्रेक दिया था। उन्होंने लता को फिल्म मजबूर 1948 में गाना गाने की पेशकश की थी। गाने के बोल थे दिल मेरा तोड़ा। ये गाना काफी हिट हुआ और इसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता बेहद ही मजाकिया व्यक्तित्व की इंसान थी। उन्हें लोगों को चुटकुले सुनाने की आदत थी। वो अक्सर अपनी हाजिर जवाबी और चुटकुलों से लोगों को ठहाके लगाने पर मजबूर कर देती थी। इसके बदले में वो सामने वाले से भी कोई चुटकुला सुनाने को कहती। आपको बता दें, वो हीरो और अच्छे परफ्यूम की भी शौकीन हुआ करती थी। लता मंगेशकर ने एक बार इंटरव्यू में कहा था कि वो अगले जन्म में लता नहीं बनना चाहती। उन्होंने कहा था, मुझे दोबारा जन्म ना ही मिले तो अच्छा है, और अगर जन्म मिलता भी है तो मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। लता जी ने मुस्कुराते हुए बोला था कि जो लता की तकलीफें हैं वो सिर्फ लता को ही पता है। एक किस्सा ये भी है कि जब 1962 में चीन के हमले के बाद पूरे देश में हताशा का भाव फैला हुआ था, 26 जनवरी 1963 में लता जी से कहा गया कि वो अपनी आवाज में ए मेरे वतन के लोगों गीत गाए। जब उन्होंने ये गीत गाया तो उनकी आवाज में इतना दर्द था कि गाना सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे। जब गाना खत्म हुआ तो महबूब खान लता दीदी के पास गए और कहा, लता पंडित जी तुम्हें बुला रहे हैं। तब नेहरू जी ने उनसे कहा कि बेटी आज तो तुमने रुला दिया, आज से तुम स्वर कोकिला नाम से जानी जाओगी। उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने 3 नेशनल अवार्ड और 4 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे। मेरे पिताजी एक क्लासिकल सिंगर थे, हमारी ड्रामा कंपनी थी और मेरे पिताजी ड्रामा में काम करते थे। हम लोग सांगली में रहते थे। मेरी शुरुआत गाने की ऐसे हुई, मैं तो बचपन से ही गाती थी, मतलब मुझे याद नहीं तब से मैं गाती हूँ। एक दिन उनका शिष्य कोई बैठ के गा रहा था और मेरे पिताजी उसको सिखा रहे थे, तो वो गा रहा था। मैं गैलरी में घूम रही थी, मैं अंदर गई और मैंने उसको कहा कि ये तुम गलत गा रहे हो, ये ऐसा नहीं ऐसा है, मैंने उसको गा के बताया। इतने में पिताजी आ गए और उन्होंने सुना। उन्होंने आके मेरी माँ को कहा कि मैं तो भूल ही गया कि अपने घर में एक गवैया है, उसको सिखाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह 6 बजे उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि लता तानपुरा उठाओ, और मैं तानपुरा लेके आई। उन्होंने तानपुरा मिलाया और मुझे सिखाना शुरू किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए रेडियो सिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।